किसान बिल के विरोध में सपाइयों की ट्रैक्टर रैली। एक तरफ जहां 26 जनवरी के अवसर पर पूरा देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं देश का किसान इस स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के विरोध में अपनी लड़ाई लड़ रहा था। वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान उपाध्यक्ष दीपू श्रीवास्तव के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो कुछ किलोमीटर दूर तक जाते जाते पुलिस प्रशासन द्वारा रोक ली गई। सपाइयों ने आक्रोश आकर सरकार विरोधी नारे लगाए। जयसिंहपुर तहसील के क्षेत्र के विरायता ज्ञानपुर निवासी व उत्तर प्रदेश समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दीपू श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंगलवार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन व किसान बिल के विरोध में दर्जनों की संख्या में विरायता चौराहे से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसान व दर्जनों ट्रैक्टर शामिल हुए। सपाइयों की रैली विरायता चौराहे से 3 किलोमीटर दूर बांदा टांडा नेशनल हाईवे के सैमरी बाई पर पहुंची ही थी कि जयसिंहपुर कोतवाल बेचू सिंह यादव व सेमरी चौकी इंचार्ज कन्हैया यादव अपने हमराही सिपाहियों के साथ पहुंचे और रैली को रोक लिया। नाराज सिपाहियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। फिलहाल कोतवाली बेचू सिंह यादव को किसानों और सपा नेता दीपू श्रीवास्तव से बातचीत कर रैली को वापस करवाने में सफलता मिली है। सर, आज ये जो रैली निकाली गई किस उद्देश्य से निकाली गई और इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, आज जो रैली निकाली गई है ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक हफ्ते से कार्यक्रम था। हम सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ निवर्तमान समाजवादी छात्र सभा का, जितने भी हमारे प्रदेश में पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सब लोग आज किसान, जो किसान एक महीने से ऊपर हो गया है, अन्नदाता जो है, ये काला कानून वापस करना चाहता है। सरकार एकदम गूंगी बहरी हुई हो गई है, बैठी है, कुछ सुनी नहीं रही है। आज हम लोग अपने नेता के आदेश पे हम लोग ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों का समर्थन करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं लगातार प्रशासन हम लोग को हमारे गंतव्य स्थल तक नहीं जाने दे रहा है। हम विरायता से निकले, सिमरी से होते हुए, पीढ़ी होते हुए हमको अपने तहसील पर जाना था, लेकिन प्रशासन ने हमको जबरन प्रशासन ने रोक दिया। पुलिस की गाड़ी लगातार हम लोग के आगे पीछे चल रही है और आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग आए और इस चीज को कवर किया, आप लोग जरूर छापिएगा, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही घोर अपराध है। क्या शासन स्वतंत्रता का हनन कर रहा है? एकदम शासन मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में हम लोगों को दिया है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी बात को उठा सकते हैं और किसी, चाहे ट्रैक्टर के, चाहे मोटरसाइकिल से, साइकिल से, किसी के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर, हम तिरंगा लेके जा रहे थे, हम तो भारत माता की जय बोलते हुए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन हमको जबरदस्ती हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा। आज 26 जनवरी है, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस संविधान के नाम से ये पुलिस प्रशासन भाजपा के लोग चल रहे हैं, वही संविधान को भाजपा नहीं मान रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर छापिए कि जब इनका समय जाएगा तो इनको हम लोग बराबर का हिसाब देंगे, क्योंकि 2022 हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का है। 2022 में हमारे नेता आप सबके सहयोग से, गरीब किसान, नौजवान, मजदूर के आशीर्वाद से 2022 के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आपको कहाँ रोका गया था? हमको सिमरी बाजार के बाईपास पे हमको रोक दिया गया है, यहाँ से पुलिस प्रशासन हमको आगे नहीं जाने दे रही है। हम मांग करते हैं, अगर हमारी आवाज जहाँ तक जा रही हो, अगर हम लोग को आगे नहीं जाने देंगे तो हम लोग फिर धरने बैठते हैं। जो भी प्रशासन लगातार गलत तरीके से इसका रवैया है, गलत। आपकी रैली कहाँ से कहाँ के लिए थी? हमारी रैली विरायता से लेके, विरायता चौराहा से लेके सिमरी होते हुए, पीढ़ी होते हुए जयसिंहपुर तहसील तक थी। किस कारण की वजह से आप लोगों को रोका गया? ये देखिए, आप बताइए, लोकतंत्र के, ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम अपने ट्रैक्टर से जा सकते हैं। एक चीज और का आपको बताएं, महरुआ पेट्रोल पंप में जहां तक पेट्रोल पंप है, ट्रैक्टर वालों को कल रात से ही रोका जा रहा है, कहीं अन्नदाताओं को डीजल नहीं देना दे रहे हैं। सबको लग रहा है कि सारे लोग, सब लोग हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। आप कुछ भाजपाइयों को भी रोक दीजिए, उनके भी दिल में ये आ जाएगा कि काला कानून का हम विरोध कर रहे हैं। काला कानून कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, वहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं। अरे भाजपा के लोग, जब आप विपक्ष में थे तो आपके नेता आदरणीय दिवंगत हो गई सुषमा स्वराज जी,
आपकी नेता है स्मृति ईरानी जी जो चूड़िया लेके आती थी, वही चूड़िया आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री को दे रही हैं? डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँच जा रहा है? जिस तरीके से प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, लूट खसूट मची हुई है और किसानों को बर्बरता पूर्वक परेशान किया जा रहा है, बहुत ही गलत बात है।